हेलो एवरीवन, दिस इज़ तमन्ना एंड एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड फर्दर वी आर गोइंग टू प्रोसीड दैट प्रॉब्लम सेशन. सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज. लेट्स रीड इट फर्स्ट. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल. कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी. सो सी, हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं. दिस इज़ दी एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ दी वाई डायरेक्शन. अब प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा, हम ड्रॉ करते आए हैं प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी. अब जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, दिस इज़ यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड जो एंगल गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, 30 डिग्री. अब क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. सो सी, जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये तो हमें पता है. यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर कुछ यूँ डायरेक्शन हो जाएगी. सो एंड वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे डायरेक्शन ये है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर सकती हूँ आगे. दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन. अब जो ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी के केस में. अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि जब हम उसको एक्सटेंड करें तो वो हमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना के दे. सो इट विल बी लुक लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस. दिस यहाँ कहीं हो जाएगा पार्टिकल एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज़ यू फाइनल एंड दिस इज़ इनिशियल. ओके, सो ये तो हो गई हमारी वेलोसिटीज़ की बात. अब जो इसके कंपोनेंट्स हैं हम उनको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में. अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, वो हो जाएगा हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्स और वाई कंपोनेंट को मर्ज करके ही लिख लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होगी. सो वो क्या होगी, दैट इज़ वी इनिशियल इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप. अब जो यू की वैल्यू है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है. सो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने पर 10 cos 30 आई कैप. और जो वाई कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो क्या होगा, प्लस में 10 sin 30 जे कैप. सिमिलरली हम फाइनल वेलोसिटी को लिख सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी के केस में क्या होगा, वी फाइनल विल बी इक्वल टू 10 cos 30 आई कैप, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में. एंड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ये वाला. सो जो वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं हम वो कैसे करते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस एटी के फॉर्मूले से. और हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वाई कंपोनेंट कैसे लिख देंगे, फिर इट विल बी 10 sin 30 डिग्री माइनस ऑफ जी टी. जी नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट इज़ नेगेटिव. एंड यू की वैल्यू है 10 और वाई कंपोनेंट है तो साइन साथ में लेंगे. ओके, दिस इज़ दी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो अब देखो
जो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होगी? हमें पता है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं? वी इनिशियल डॉट वी फाइनल विल बी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम? सी, अब इनिशियल की डॉट प्रोडक्ट होगी फाइनल के साथ, इसीलिए हमने तो जो वेक्टर फॉर्म है उसका यूज़ किया है ना। देन इट विल बी लाइक दैट, 10 cos 30 i कैप प्लस में 10 sin 30 j कैप, डॉट प्रोडक्ट में 10 cos 30 i कैप प्लस में 10 sin 30 माइनस ऑफ gt j कैप। ये हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? आई डॉट आई तो पता है आपको 1 हो जाएगा, और आई को अगर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये सर्वाइव ही नहीं करेगा। सो 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 प्लस में 10 साइन 30, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि जब हम जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के उसमें, सो ये तो यहाँ पर भारी आ गया, और अंदर क्या हो जाएगा? 10 साइन 30 माइनस जी टी इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा? 100 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 100 साइन स्क्वायर 30 माइनस ऑफ 10 साइन 30 इंटू में जी टी। अब टी की वैल्यू तो नहीं है गिवन हमें क्वेश्चन में, सो ये टी की टर्म्स में ही रह जाएगा, इक्वल टू 0। एंड कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने पे क्या आएगा? कॉस 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 स्केयर प्लस में 100 इंटू में साइन स्केयर 30 क्या होता है? 1/2 एंड इसका स्केयर माइनस 10, साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2 इंटू में जी की वैल्यू 10 एंड इंटू में टी। एंड ये मैथमेटिकली है, आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक हो गया ये। मैं अब आपका होमवर्क छोड़ती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। एक्चुअल में जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स रीड इट फर्स्ट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी बिफोर लैंडिंग? अब देखो इस कंसेप्ट में हमें क्या बोला गया है कि दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उन दोनों को सेम टाइम पर प्रोजेक्ट किया गया, लेट्स सी लाइक दिस, एंड जो सेकंड पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u2 एंड इसकी हो जाएगी u1, क्योंकि दो पार्टिकल हैं दोनों की वेलोसिटी अलग है, बट सेम टाइम पर हमने इनको प्रोजेक्ट किया है। और हमें फाइंड क्या करना है, किसी टाइम पर, मान लो यहाँ के बाद हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जो जब टाइम टी होगा तो पार्टिकल 2 कहीं यहाँ पर होगा और पार्टिकल 1 यहाँ कहीं हो जाएगा। हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है ये वाला, हमें इसको कैलकुलेट करना है। और जो ये वाला डिस्टेंस होता है हम किससे कैलकुलेट करते हैं? हमें, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज़ s इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस में y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर द रूट। दिस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला, और सेम फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब
ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू एंड वाई टू, और जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन और वाई वन की टर्म्स में। ये तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स की बात। सो अब देखो, जो एक्स कंपोनेंट होगा पार्टिकल वन के लिए उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट दैट मीन्स एक्स वन इज इक्वल टू यू वन, क्योंकि अगर पार्टिकल एक्स वन है तो वेलोसिटी भी हम यू वन की ही लेंगे, मीन्स फर्स्ट पार्टिकल की भी, और एंगल भी थीटा वन, वो भी वन के लिए है, एंड दिस इज फॉर थीटा टू। एक्स वन देखो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा वन इंटू मेट टी, क्योंकि डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो स्पीड इंटू टाइम, और कॉस थीटा इसलिए आया क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। एंड वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, उसका बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बार यूज़ कर चुके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही वाला। और उसमें जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डैट मीन्स जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी यू वन साइन थीटा वन, क्योंकि पार्टिकल वन के बारे में बात कर रहे हैं, इंटू में टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वेयर बाय में टू। अब देखो यहाँ पर जो टाइम है मीन्स टी, वो दोनों सेम होंगे क्योंकि पार्टिकल वन के लिए ही बात कर रहे हैं। इसी टाइम पर तो एक्स का कंपोनेंट होगा और इसी टाइम पर जो है वाई का कंपोनेंट होगा, सो टाइम विल बी सेम। सिमिलरली हम पार्टिकल टू के लिए जब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू विल बी इक्वल टू यू टू कॉस थीटा टू इंटू में टी, एंड वाई टू विल बी इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वेयर बाय में टू। अब देखो जो टी है वहाँ उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं की है, क्योंकि जिस टाइम पर हम इस पार्टिकल की बात करें उसी टाइम पर हम सेकंड वाले पार्टिकल की बात करें, सो दोनों पार्टिकल्स के लिए टाइम सेम है, और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए भी, दोनों ही पार्टिकल्स के लिए। सो दैट्स वाई जो टी है वो सेम है सभी के लिए। एंड इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो अजम्पशन है x2 टू माइनस एक्स वन, आप कैसे भी ले सकते हो, वो मैग्नीट्यूड वाइज है, क्योंकि स्केयर है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई भी पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी, चाहे x1 वन माइनस एक्स टू ले लो, चाहे x2 टू माइनस एक्स वन ले लो। सो सी जब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यू टू कोस थीटा टू इंटू में टी, एक्स टू की वैल्यू ये है माइनस ऑफ एक्स वन, दिस इज यू वन कोस थीटा वन इंटू में टी होल स्केयर, एंड प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर, एंड ये कैसे हो जाएगा अब, यू टू साइन थीटा टू इंटू में टी माइनस ऑफ यू वन साइन थीटा वन टी होल स्केयर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर हो जाएगा। सेम यहाँ पर फॉर्मूले को रिजोल्व करेंगे, अब ये काफ़ी मैथमेटिकली होने वाला है, सो सी हाउ इट विल लुक लाइक। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यू टू स्केयर कोस स्केयर थीटा टू टी स्केयर माइनस ऑफ टू यू वन यू टू कोस थीटा वन कोस थीटा टू इंटू में टी स्केयर प्लस में यू वन स्केयर कोस स्केयर थीटा वन टी स्केयर प्लस में यू टू स्केयर साइन स्केयर थीटा टू टी स्केयर माइनस ऑफ टू यू वन यू टू साइन थीटा टू साइन थीटा वन
टी स्क्वायर एंड प्लस में जो लास्ट टर्म होगी इट विल बी यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन टी स्क्वायर एंड होल टर्म का अंडर द रूट। जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये क्या मींस शॉर्ट टर्म क्या बन जाएगी इसकी एंड आवर नेक्स्ट टर्म विल बी लुक लाइक दैट। बाकी जो टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड और इसके बाद क्या मिलेगा हमें टी तो एज इट इज़ क्योंकि अंडर द रूट है सो स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर माइनस टू यू वन यू टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस ऑफ थीटा टू। ये फॉर्मूला हमें पता है ना कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट बट वी हैव टू बी कैलकुलेटेड। सो अब देखो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है प्रोजेक्टाइल मोशन और वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसे प्लेन पर होगा ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक तो हमने सिर्फ जो नॉर्मल प्लेन होता है ग्राउंड प्लेन उसके बारे में बात की है लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उसमें हमारा मोशन किस तरीके से वेरी करता है। मींस मोशन कहने से मतलब है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है एंगल है और मैक्सिमम हाइट है वो कैसे वेरी करेंगी। सो सी पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं ओके एंड दिस इज द एनी इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। अब मान लो अगर ये पार्टिकल इतनी वेलोसिटी हो इसके पास कि ये डायरेक्टली इसको टच किए बगैर ही चला जाए फिर तो हमें इस इंक्लाइंड प्लेन की ज़रूरत ही नहीं वही सेम फॉर्मूला रह जाएगा। बट अगर हम इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमें ये कंसिडर करना ही होगा कि ये जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पर जाके हिट करेगा। दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा इट विल बी द रेंज ऑफ दिस पार्टिकल एंड जो टाइम हम कंसिडर करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक आने के लिए वो टाइम क्या होगा कैपिटल टी और बीच में कहीं पर वो जो टाइम कंसिडर होगा वो स्मॉल टी से कंसिडर कर लेंगे। एंड देखो हम पूरा एंगल क्या लेते थे थीटा ये पूरे वाला बट यहाँ पर जो एंगल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दिस इज़ कैन बी कंसिडर्ड एल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा वो हमारी चॉइस है कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो ये वाली हाइट होगी मीन्स दिस इज़ दी रेंज तो ये हो गई। हाँ देखो जब हम इसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करेंगे रेंज के ये तो रेंज हो गई एंड इट विल बी आर साइन अल्फा क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है। सो ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा रेंज का आर कॉस थीटा मींस थीटा यहाँ पर अल्फा है तो आर कॉस अल्फा एंड दिस इज़ आर साइन अल्फा यहाँ पर कॉस एंड यहाँ पर साइन यहाँ पर एंगल बन जाएगा ना इस वजह से। आई एम सॉरी अगर मैंने यहाँ पर साइन बोला हो तो वो बाय मिस्टेक हो गया होगा मुझे नहीं पता कि मैंने साइन बोला या कॉस बट यहाँ पर कॉस वाला कंपोनेंट होगा। सो दिस इज़ दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ दी वाई कोऑर्डिनेट। सो इस केस में हमें फाइंड क्या करना है टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स इस पूरे जो मोशन है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा दिस इज़ टी एंड रेंज वो कितनी होगी ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सो सी जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टी
ये हम कैलकुलेट जब करते थे जब हमारे पास थीटा ये पूरे वाला होता था। लेकिन अगर इस केस में हम बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, वो क्या होगा, x इक्वल टू यू कॉस। अब यहाँ पर तो एंगल दो टर्म्स में हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में टी। इस इक्वेशन को हम वन मान सकते हैं। और देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी प्रोजेक्टाइल के केस में वो क्या होती है, दैट विल बी y इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा होती है। बट यहाँ पर जो थीटा है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है इंटू में t, यू टी माइनस ऑफ जी टी स्केयर बाय में टू। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए क्योंकि g नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो अब हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल है मींस कोई टाइम तो यहाँ कहीं बीच में था, स्मॉल टी से डिनोट किया था, बट इफ़ स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी मींस जब पार्टिकल हमारा यहाँ पर आ चुका, सो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्स कंपोनेंट होगा मींस एक्स कहने से मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा एंड वाई क्या होगा, हो जाएगा आर साइन अल्फा। क्योंकि यही सब हम कैलकुलेट करें, हर पॉइंट पर हम इसी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। सो दिस इज़ इक्वेशन वन एंड दिस इज़ इक्वेशन टू। अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन वन एंड टू का यूज़ करके क्या बोल सकते हैं, सी आर कॉस अल्फा इक्वल टू यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में टी। अब ये इक्वेशन कैसे आई है, सी दिस इज इक्वेशन टू नॉट दिस। अब देखो जो इक्वेशन वन है दिस इज़ अबाउट एनी टाइम टी मीन्स जब पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, मीन्स वो अपने कंप्लीट जो मोशन है वो कंप्लीट नहीं किया है उसने। और जो ये वाली हमने निकाली है ये कब है, जब उसका मोशन कंप्लीट हो गया है मीन्स यहाँ पर पार्टिकल रीच हो चुका है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट। सो हम इस इक्वेशन को और इसको इनको इक्वेट कर सकते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन वन है एंड दिस बोथ टू आर इक्वेशन टू। सो हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो हमें क्या मिला, आर कोस अल्फा इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। और उसी तरीके से जब इस वाली इक्वेशन को इक्वेट करेंगे सो क्या मिल जाएगा, आर साइन अल्फा इक्वल टू यू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा टी माइनस ऑफ जी टी स्केयर बाय में टू। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर थ्री, हम इसको इक्वेशन थ्री बोल सकते हैं एंड दिस इज़ इक्वेशन फोर। अब देखो हम आगे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सी अगर मैं इक्वेशन फोर को थ्री से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट टेन अल्फा इक्वल टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ जी टी स्केयर बाय में टू। और इसके डिवाइडेड में क्या होगा, यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में टी। और जब मैं इस टर्म को उस साइड ले जाऊं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इट विल बी लुक लाइक दैट, यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल टी है। अब फर्दर मैं इसको जब सॉल्व करूँगी सो ये क्या है, अब मैथमेटिकली है, यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा और जो टी है वो क्या हो जाएगा, सी यू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ जी टी बाय में टू। अब देखो ये जो है कैपिटल टी स्क्वायर है एंड जो वन टी होगा वो कैसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या,
हाँ देखो, यहाँ पर जो है एक टी भूल गए थे हम, ये जो टी है उस साइड जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक ही बच जाएगा। अब मैथमेटिकली ये ओके है बिल्कुल। एंड फर्दर जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी जी टी बाई टू, एंड इक्वल टू में हो जाएगा यू बाहर कॉमन क्योंकि ये उस साइड जाएगी, एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस में कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में टेन अल्फा। अब देखो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ कैपिटल टी ना, टी इक्वल टू टू यू बाय में जी, एंड अंदर जो है ये वाली सेम टर्म हो जाएगी। या फिर मैं इसको कर सकती हूँ मॉडिफाई, हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, सो सी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा, एंड माइनस में ये वाली टर्म। इसको कैसे कर सकते हैं, टेन को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा, एंड कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो वो क्या हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम फर्दर और मॉडिफाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो अब टू यू बाय जी ये वाली टर्म एज इट इज़ मैं लिख नहीं रही हूँ आप समझ जाना, दिस प्लस में दिस वाली टर्म एंड माइनस में। अब इसको देखो कैसे कर सकते हो, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट हो जाएगा, एंड साइन बाय साइन अल्फा बाय कोस अल्फा अगेन टेन अल्फा हो जाएगा, और देखो माइनस में साइन अल्फा कोस बीटा बचेगा, साइन अल्फा कोस बीटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट हो जाएगी, साइन अल्फा और साइन बीटा अपॉन में कोस अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर जो टर्म आएगी हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली कैंसिल मानो आप माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा क्योंकि यहाँ पर दो साइन अल्फा हैं, साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा, ये हो गया। अब और आगे क्या हो जाएगा, टू यू बाय जी ये बाहर ऐसे ही कॉमन चलेगा, कॉस अल्फा साइन बीटा ये बाहर कॉमन आ जाएगा, ये इसी के साथ कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा वन प्लस में टेन स्क्वेयर अल्फा। अब ये हो गया, एंड फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो, टू यू बाय जी कोस अल्फा साइन बीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा कोसिकेंट होता है, एंड कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, वन बाय कोस, सो ये वाला जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन बाय में कोस स्क्वेयर अल्फा, एक कोस कैंसिल, एंड फाइनल रिजल्ट विल बी टू यू बाय जी साइन बीटा अपॉन में कोस अल्फा। अब इस रिलेशन को ही हमें फाइंड करना था, दिस इज़ फॉरवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, और ये क्या निकाला है हमने, टोटल टाइम कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे उस जो टाइम होगा वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए कितना टाइम लेगा। सो देखो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर मान लो अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज होगा। ओके सो अब फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, जो इक्वेशन थ्री थी हमने ऊपर निकाली थी ना उसका यूज़ करके,
वहाँ से हम रेंज निकाल सकते हैं। सर जो रेंज होगी वो क्या होगी, देखो आई थिंक आपको याद भी ना हो, ये वाली इक्वेशन 3 कौन सी थी, हाँ ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। यूज़ तो ये भी हो सकती है बट दिस इज़ ईजी। आर इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आर इक्वल टू 2u² कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कोस स्क्वेयर अल्फा साइन बीटा। हमने उस इक्वेशन का क्या किया है, जो t की वैल्यू थी उसको सब्सटीट्यूट किया है और फिर उसको मॉडिफाई करने के बाद हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। इट वॉज़ द ऑल अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन, जो कि हमने कैलकुलेट भी कर लिया। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। अब जो हमने आज का लेक्चर किया है, इस लेक्चर में हमारा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। मींस अगर आप जैम का सिलेबस उठा के देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बाहर नहीं आएगा, सभी कंसेप्ट घुमा फिरा कर इन्हीं सब से रिलेटेड होंगे। आप सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल क्वेश्चंस आर इजी, क्योंकि सब बस कंसेप्चुअल होते हैं जो आपके कंसेप्ट पे बेस करते हैं। ओके सो आई वांट टू से थैंक यू एट लास्ट एंड गुड बाय।